हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में इंडियन राइजिंग क्रिकेटर देवदत्त पांडेकाल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। देवदत्त पांडेकाल एक युवा भारतीय क्रिकेटर हैं। देवदत्त पांडेकाल एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। देवदत्त पांडेकाल रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक के लिए खेलते हैं। देवदत्त का जन्म 7 जुलाई 2000 को हुआ है। देवदत्त पांडेकाल केरल के डंपल के रहने वाले हैं। देवदत्त पांडेकाल अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल बेंगलुरु से की हैं। अब ये सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। हम आपको आगे बताते चलें दोस्तों, आईपीएल 2019 की नीलामी में इन्हें आरसीबी ने 20 लाख रुपए में ख़रीदा था। इतना ही नहीं, आईपीएल 2020 में एक बार फिर से आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते दिखेंगे। भारतीय क्रिकेट में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाले आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग अपने 12वें सीज़न की तरफ बढ़ रही है। इस सीज़न रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस जहां अपने 5वें खिताब की तलाश में रहेगी, वहीं भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके अपने 4थे खिताब जीतना चाहेगी। इस बीच कुछ टीमें ऐसी भी हैं जो कि 12वें सीज़न में भी पहली बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने का सपना लेकर उतरेंगे। इन्हीं में से एक टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आगे हम आपको बताते चलें कि इस सीज़न में आरसीबी को एक ऐसा ट्रंप कार्ड मिला है जो 12वें सीज़न में उनकी काया पलट सकता है। वो कोई और नहीं, देवदत्त पांडेकाल हैं। कर्नाटक के लिए ओपनिंग करते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने बल्लेबाजी से खूब धमाल मचाया है। देवदत्त पांडेकाल सूरत में हुए T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। देवदत्त ने कर्नाटक के लिए खेले 11 मैचों में 548 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। पांडेकाल के इस शानदार फॉर्म के दम पर कर्नाटक टीम सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के फाइनल में पहुँच गई थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, जबकि एक मैच में केएल राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 125 रनों की साझेदारी हुई थी। यह मैच लालाभाई स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में के दौरान आरसीबी के क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर माइक हेसन वहां मौजूद थे। हालांकि आरसीबी ने पांडेकाल को आईपीएल 11वें सीजन में ख़रीदा था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। पांडेकाल की शानदार बल्लेबाजी की गवाह बन चुके हेसन चाहेंगे कि ये खिलाड़ी आरसीबी के लिए सलामी बल्लेबाजी करे। पांडेकाल कर्नाटक के घरेलू क्रिकेटर हैं और बेंगलुरु में वो कई मैच खेल चुके हैं। दोस्तों, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये स्टार क्रिकेटर आईपीएल सीजन 12वें में कैसे छाप छोड़ता है। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।